क्या आप गुर्दों की बीमारी की समस्या से परेशान है? क्या आपको लगता है कि डायलिसिस ही इसका परमानेंट इलाज है? तो अब घबराना छोड़िए, देखिए आयुर्वेदा में भी इसका इलाज संभव है बिना किसी डायलिसिस के और बिना किसी किडनी ट्रांसप्लांटेशन के। तो इस चीज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं डॉक्टर रतिया, आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि किडनी डैमेज होने के ऐसे मुख्य कारण क्या है। अगर किडनी डैमेज होती है तो हमारी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स क्या अपीयर होते हैं और आयुर्वेदा में इसका इलाज कैसे संभव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि किडनी डैमेज होने के ऐसे प्रमुख कारण क्या है। देखिए किडनी डैमेज होने के सबसे बड़ा प्रमुख कारण है आजकल का लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी एक्टिविटीज, किसी भी प्रकार की हमारी दिनचर्या बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो उसी के साथ चलते हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही है। और सबसे ज्यादा जो बीमारियां देखी जाए तो डायबिटिक और हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है कि जिसके साथ चलते पेशेंट्स को बहुत लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। और दवाइयां जब लंबे समय तक सेवन करता है तो आने वाले टाइम पे उसकी किडनी डैमेज होने की कंडीशंस पैदा हो जाती है। जनरली किडनी जब डैमेज होती है तो पेशेंट्स को कुछ भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, और जब किडनी डैमेज होती है तो 40-50% उसकी किडनी डैमेज हो चुकी होती है। और उस टाइम पे पेशेंट्स को ये गाइड किया जाता है कि डायलिसिस करवाएं या किडनी ट्रांसप्लांटेशन तक की नौबत आ जाती है। तो इस तरह की कंडीशंस तक हम क्या बच सकते हैं या नहीं बच सकते, इस चीज के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि जो किडनीज है एग्जैक्ट वे में हमारी बॉडी में करती क्या है, इसका फंक्शन क्या है। देखिए किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी बॉडी में दोनों रिब्स के बीच में रहती है, और किडनी बेसिकली टू टाइप्स की रहती है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। किडनी का जो बेसिक काम रहता है ये बॉडी की फिल्ट्रेशन करता है, यानी कि ब्लड से फिल्ट्रेशन करके जो बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, हैवी टॉक्सिन्स होते हैं, ड्रग्स हार्मोन्स होते हैं, तो उसको वाया यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। अगर बॉडी की ये फिल्ट्रेशन में किसी तरह की खराबी आनी शुरू हो जाए तो बॉडी में किडनी में कई तरह के आयंस डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं जिससे कि किडनी डैमेज हो जाती है। और किडनी का बेसिक काम है हेमोस्टेसिस, हमारी बॉडी का सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जितने आयंस हैं उन सब चीजों के लेवल को ये बैलेंस करके रखती है। और बैलेंस करने के साथ साथ हमारी बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, और इसी आयंस के लेवल जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी बॉडी की कई तरह की एक्टिविटीज भी खराब हो जाती है। बिकॉज इन लेवल के बैलेंस रहने से हमारे हार्ट की, हमारे मसल्स की एक्टिविटी भी इसी पे डिपेंडेंट रहती है। और हमारी बॉडी में जो किडनी हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो है IGA लेवल हार्मोन, और IGA लेवल हार्मोन में एक हार्मोन ऐसा होता है जिसे हम जानते हैं रेनिन के नाम से। और रेनिन हार्मोन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर रहता है यानी कि हाइपरटेंशन जो पेशेंट्स रहते हैं उनके बॉडी में ये जो रेनिन हार्मोन अगर एग्जैक्ट वे में सही फॉर्म में रहता है तो उनके बीपी को ये कंट्रोल करता है, उसको फ्लक्चुएट नहीं होने देता। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करते हैं, और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में ब्लड को प्रोड्यूस करता है, यानी कि हमारी बॉडी के आयरन को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। थर्ड, हमारी बॉडी में विटामिन D3 की भी जो प्रोडक्शंस रहती है वो भी किडनी से ही रहती है, और विटामिन D3 हमारे बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसी प्रकार के ये बेसिक्स कार्य होते हैं किडनी के। अगर शरीर में किसी तरह का कोई लक्षण अपीयर होता है तो अगर इन्हीं में किसी तरह की कोई खराबी आनी शुरू हो जाए तो उसी से रिलेटेड हमारी बॉडी में सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआती तौर पे तो कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होता, और जब होते हैं तो उस टाइम पे पता चलता है कि किडनी डैमेज हो चुकी है। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि हमारी किडनी डैमेज हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल जान सकते हैं। तो उस चीज को जानने के लिए आप अपनी बॉडी के कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ यूरिन का टेस्ट आप करवा के उस चीज को रूल आउट कर सकते हो कि आपकी किडनी डैमेज हो रही है कि नहीं हो रही। सबसे जरूरी आपका यूरिन का टेस्ट। यूरिन में क्या रहता है कि उस टाइम पे जब पेशेंट की किडनी डैमेज होनी शुरू होती है तो उसके यूरिन में से प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है, और जब हम लोग प्रोटीन निकलता है तो प्रोटीन में होता है एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन का लेवल हमारे यूरिन में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है जिससे हमें पता चलता है कि किडनी डैमेज हुई है कि नहीं हुई। सेकेंड, ब्लड टेस्ट में हम लोग KFT करवाते हैं, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। उसमें हमने यूरिया, क्रिएटिनिन और भी कई तरह के हार्मोन्स या कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हम रूल आउट करते हैं कि किडनी की कंडीशंस कैसे चल रही है और किडनी के पैरामीटर्स सही फॉर्म में है कि नहीं है। तो उस टाइम पे हमें क्या प्रेजेंट मिलते हैं, क्रिएटिनिन हाई है, यूरिया बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो जिसके साथ चलते पेशेंट्स की कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, उसके यूरिन के आउटपुट में खराबी आनी शुरू हो जाती है, और क्रिएटिनिन जब ज्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट्स को डायलिसिस तक कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम चेक करवाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इन सब चीजों से भी हमें क्लियर हो जाता है।
अगर पेशेंट्स का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस टाइम पे हम पेशेंट्स का जीएफआर लेवल चेक करवाते हैं। जीएफआर लेवल क्या हो रहे थे? ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसमें हमने क्या चेक करना होता है कि एक मिनट में पेशेंट्स की किडनी की फिल्ट्रेशन कितनी हो रही है। अगर उसकी फिल्ट्रेशन 90 ml से कम हो रही है, 90 ml पर मिनट से कम हो रही है, तो इट मीन्स कि इसकी किडनी डे बाई डे डैमेज कंडीशन में पहुंच रही है। अगर 30-40 ml से भी कम हो गई तो उसकी किडनी डैमेज हो चुकी होती है। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि उस तरह के जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करके रखें, उसकी फिल्ट्रेशन को अच्छा रखें। देखिए, फिल्ट्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉडी में कई तरह के जो ब्लड में टॉक्सिन्स हो जाते हैं वाया यूरिन उसको एक्सक्रीट करते हैं। क्यों? हम लोग डेली बहुत तरह के कुछ भी हम लोग हाई मेटल्स वाली चीजें खाते हैं या लॉन्ग टाइम कोई मेडिकेशन ले रहा है, पेन किलर्स ले रहा है, डायबिटिक की मेडिसिन ले रहा है, हाइपर टेंशन की मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो बॉडी में डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं आयंस, तो किडनी डैमेज कंडीशंस में पहुंचनी स्टार्ट हो जाती है। तो अर्ली स्टेज में हमें कैसे पता चलेगा कि किडनी डैमेज्ड है कि नहीं है? क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे? सिम्टम्स बेसिकली अपीयर होता है पेशेंट के यूरिन की फ्रिक्वेंसी में चेंज आना शुरू हो जाता है, उसके बॉडी में आईज के अराउंड स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, फीट्स में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, एसाइटिस की कंडीशन हो जाती है, पेट में बारीकपन, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है और वाटर रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो स्वेलिंग होती है बॉडी में, अब स्वेलिंग किस फॉर्म की रहती है उसे हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। पिटिंग एडिमा क्या रहता है, आप कैसे उसको रूल आउट कर सकते हैं? देखिए, पिटिंग एडिमा क्या रहता है कि जिस भी पेशेंट की बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, उसके लोअर लिम्ब्स में स्वेलिंग हो रही है, आईज में हो रही है, आर्म्स में हो रही है, तो आपने चेक कैसे करना है, जहां भी स्वेलिंग है आप अपने थंब के साथ वहां पे आप उसको टच करके प्रेशर रखें। जब आप प्रेशर करके रखोगे, आप अपना थंब हटाओगे तो वहां पे आपका थंब का इंप्रेशन छप जाएगा, यानी कि मार्क छोड़ जाएगा, तो जिसे हम कहते हैं पिटिंग एडिमा। अब होता क्या है कि शरीर में से प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है और प्रोटीन निकलने के साथ साथ आपके जो ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिससे कि बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसे हम एडिमा कहते हैं। सेकेंड रीजन था वाटर रिटेंशन। इसमें होता क्या कि किडनी जो होती है वो सोडियम को ज्यादा अंदर लेना शुरू कर देती है। जब सोडियम ज्यादा लेती है तो पानी भी उसके साथ आता है, तो जिसके कारण बॉडी में वाटर रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड रीजन है यूरिन की फ्रिक्वेंसी। यूरिन की फ्रिक्वेंसी कभी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, कभी कम होनी शुरू हो जाती है और कभी बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और जनरली हमें पेशेंट्स कौन से मिलते हैं, या तो पॉली यूरिया या तो ऑलिगो यूरिया। अब ये जो टर्म्स है पॉली यूरिया एंड ऑलिगो यूरिया, पॉली यूरिया में क्या रहता है, यूरिन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है कि पेशेंट्स को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। ऑलिगो यूरिया, यूरिन की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, जब भी वो यूरिन पास आउट करने जाता है तो उसको काफी प्रेशर के साथ यूरिन पास आउट करना पड़ता है और रुक रुक कर आता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो इस तरह के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। थर्ड एनायूरिया, जब यूरिन की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल ही बंद हो जाती है, ये बहुत ही कम कंडीशंस में होता है। पॉलीयूरिया एंड ऑलिगो यूरिया की फ्रिक्वेंसी ज्यादा आपको पेशेंट्स मिलेंगे और यूरिन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर आरबीसीज उसमें प्रेजेंट है तो यूरिन में ब्लड की फॉर्मेशंस भी मिल सकती है, यूरिन फ्रॉथीलेस हो सकता है, यानी कि उसमें काफी जाग या फॉर्मिंग वाला यूरिन हो सकता है, यूरिन में स्मेल भी हो सकती है। डायबिटिक के पेशेंट्स में ज्यादा ही सिम्टम्स मिलता है कि जब भी वो यूरिन पास आउट करने जाते हैं तो उसमें काफी स्मेल पैदा होती है। नेक्स्ट, हार्मोनल इफेक्ट्स होने के कारण भी पेशेंट्स को सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एरिथ्रोपोइटिन है तो इट मीन्स कि बॉडी में ब्लड की फॉर्मेशन वो बनाता है, खून बनाने का काम करता है, तो पेशेंट जब किडनी डैमेज हो रही है तो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, तो बॉडी एनीमिक होनी शुरू हो जाती है, ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, वो भी हमारा किडनी प्रोड्यूस करता है, तो विटामिन D3 भी कम होना शुरू हो जाता है। रेनिन लेवल को कंट्रोल करता है और उस कंडीशंस में पेशेंट का बीपी फ्लक्चुएट करना शुरू होता है, कभी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो कभी बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो उस चीज को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमें लेवल्स चेक करने होते हैं यूरिया क्रिएटिनिन के। इन केस पेशेंट का बॉडी में यूरिया काफी ज्यादा बढ़ गया और उसका जो यूरिया है उसका ब्रेन तक भी शिफ्ट हो गया और उसे हम क्या टर्म्स में बताते हैं कि यूरेमिक इंसेफलोपैथी, तो उस टाइम पे पेशेंट को कॉन्शियसनेस उसकी खत्म हो जाती है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर यही यूरिया उसके हार्ट तक शिफ्ट हो गया तो उसे हम यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस टर्म्स में भी बोलते हैं। उसके हार्ट के मसल्स की एक्टिविटी भी काफी पुअर होनी शुरू हो जाती है। नर्व कंडक्शंस में पहुंच जाता है तो नर्व की सेंसेशन खत्म हो जाती है, नंबनेस आनी शुरू हो जाती है, हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट को जनरली सिम्टम्स मिलता है कि उसको किडनिया से चलने जैसी सेंसेशन पैदा होती है, जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। अनदर, और भी कई तरह के रीजन से किडनी डैमेज होने के, ऑटो इम्यूनो डिजीज हो जाती है, हेपेटाइटिस हो जाती है जिसे हम काला पीलिया कहते हैं, और कई तरह की ऐसी मेडिसिन रहती है जब हम ओवर डोसेज में लेना स्टार्ट कर देते तो किडनी डैमेज हो जाती है।
तो इन सब चीजों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अर्ली स्टेज में, कैसे? थ्रू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में इसका इलाज संभव है। अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई किडनी से रिलेटेड कोई सिम्टम्स अपीयर हो रहे, तो इंस्टेंट आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, जिसमें KFT यूरिन का टेस्ट करवाएं, जिसमें आपको ये रूल आउट हो सके कि आपकी बॉडी में किडनी जो इफेक्ट हो रहा है किडनीज में, वो किस लेवल तक क्रॉस कर चुका हुआ। तो उसी टाइम पे आप आयुर्वेदा की हेल्प लेके आप अपनी किडनी को डैमेज होने से बचा सकते हैं। इस तरह के सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में अपेयर होते, तो नीचे हेल्पलाइन नंबर पर आप अपना कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम से, डॉक्टर्स की जो टीम है, उनसे अपना केस डिस्कस करके अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। क्यों? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि किडनी रिवर्सिबल होने के भी चांसेस रहते हैं कि किडनी को हम बचा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कि किडनी डैमेज हुई है तो हम उसे कैसे अर्ली स्टेज में बचा सकते हैं, और किडनी खराब होने के ऐसे प्रमुख कारण क्या है, अगर किडनी खराब होती तो ऐसे कौन से लक्षण अपीयर होते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको जल्दी मिलूंगी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेके। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।